हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिमूवल ऑफ टू। ये एडवर्ब टू को सेंटेंस से हटा करके सेंटेंस को बनाना है। जैसे देखिए, पहले तो चैप्टर के विषय में आपको मैं बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये वो चैप्टर है जिसमें ये इसका मीनिंग ये है कि सेंटेंस को इस प्रकार से बदलो कि इसके सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेंटेंस के मीनिंग को चेंज किए बिना सेंटेंस को चेंज करना है। तो इसका ये जो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो रिमूवल ऑफ टू है। टू को हटा करके हम सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, एग्जाम्पल देखिए। जैसे ही इज टू वीक टू वर्क, ही इज टू वीक टू वर्क। तो देखिए, ये बहुत ही सरल ये जो है चैप्टर है। देखिए, जैसे ये दोनों टू के बीच के जो एडजेक्टिव है, इसमें क्या है, एक तो ये टी डबल ओ टू है, इसको एडवर्ब बोलते हैं, और ये जो टी ओ टू है ये इन्फिनिटिव है। तो एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव के बीच में जो एडजेक्टिव दिया है, देखिए अब कैसे इसको हम चेंज करेंगे। एडवर्ब टू के पहले हम जो भी शब्द है उतार देंगे, ही इज, एडवर्ब टू के जगह सो लगाते हैं। अब ये जो दोनों टू है, अभी मैं बोल रहा था एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू के बीच वाले शब्द को ये सो के बाद हम लिख देंगे, सो वीक। एडवर्ब को उतारने के बाद हम दैट जोड़ेंगे अपने पास से, दैट, और फिर ये एडवर्ब टू के जो सॉरी जो इन्फिनिटिव टू है इसके जगह पर हम टेंस के अनुसार कैनोट या कुड नोट जोड़ते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें कैनोट आएगा। पहले इसके की हम सब्जेक्ट को दोहराएंगे। देखिए, अब ये दैट के बाद ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पहले क्लॉज का, उसको सब्जेक्ट को हम दोहराएंगे, सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे। तो ही सो वीक दैट ही, और इसके बाद ये इन्फिनिटिव की जगह हम क्या लिखेंगे, कैनोट या कुड नॉट टेंस के अनुसार। तो ही कैनोट, और फिर कैनोट या कुड नॉट जोड़ने के बाद इन्फिनिटिव के बाद वाले शब्द को उतार देंगे, टू वर्क। अब देखिए, पहले सेंटेंस को ही इज टू वीक टू वर्क, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, और इसका भी मीनिंग वही हुआ, ही सो वीक दैट ही कैनोट वर्क। दूसरा देखिए, द मैन वाज टू ओल्ड टू जम्प। अब देखिए, मैन इतना बूढ़ा था कि वो जंप नहीं कर सकता था। अब ये पास्ट में है तो उसी तरह बनाएंगे, द लॉयन वाज सो ओल्ड दैट। अब देखिए, लॉयन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोनाउन ही लगा देंगे, ही। अब ये सेंटेंस पास्ट में है तो कुड नॉट जोड़ेंगे, ही कुड नॉट, और कुड नॉट के बाद इन्फिनिटिव के बाद वाले शब्द को उतार देंगे, जम्प, इस तरह से। और भी सेंटेंस देखिए जिसमें बीच में ऑब्जेक्ट हो और पहले क्लॉज का सब्जेक्ट निर्जीव हो, वो सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे द वॉल इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। इसको आप देखिए, वॉल जो है इतना मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे, द वॉल इज सो हाई। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ही सब्जेक्ट बनेगा दैट के बाद, क्योंकि जब पहला क्लॉज निर्जीव से, मतलब उसका सब्जेक्ट निर्जीव हो, लाइफलेस थिंग हो, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आया हो, तो जब हम उसको नेगेटिव में बनाएंगे तो दैट के बाद यही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हाई दैट, अब यहां मी को आई, ये फॉर हट जाएगा, सिर्फ मी को यहां आई में कन्वर्ट कर देंगे, आई, और ये प्रेजेंट टेंस है तो कैनॉट, आई कैनॉट क्लाइंब। अब आगे देखिए, इट इज टू कोल्ड
टू गो आउट। अब देखिए इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, पहला अगर निर्जीव है तो इधर हमें मतलब हमें जो है मतलब जो सजीव कोई सब्जेक्ट है उसमें लिखना होता है, तो जैसे इट इज सो कोल्ड दैट। अब यहां देखिए यहां हम सब्जेक्ट को अपने पास से जोड़ेंगे तो नो वन कैन गो आउट। अब देखिए यहां हमने कैनॉट क्यों नहीं लिखा, जब ये जब लास्ट वाले क्लोज में जब वो नेगेटिव में हो तो हम फिर सिर्फ जो है मतलब कैन जोड़ेंगे, कैनॉट नहीं जोड़ेंगे, तो इसका सेंस जो है क्या है। अब ये देखिए क्या है, अब ये इसमें एक बात और इस सेंटेंस में है कि कैनॉट इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि नो वन ये नेगेटिव है तो डबल नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, इसलिए नो वन है सब्जेक्ट तो इसलिए कैन, एनी वन होता तो कैनॉट लगाते। चलिए इसको नोट करिए, आगे और एग्जांपल देखिए, अगर सेंटेंस में सिर्फ एडवर्ब टू हो इन्फिनिटिव ना दिया हो तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे द वाटर ऑफ दी गंगा इज टू प्योर। तो देखिए अगर खाली एडवर्ब टू हो इन्फिनिटिव जिसमें ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, ये टी डबल ओ इसमें दो रूल है, या तो ये एडवर्ब टू के जगह आप ओवर या एक्सट्रीमली का यूज करके बना सकते हैं, या एडवर्ब टू को हटा के पूरा एक साथ पहले लिख लेंगे और फिर लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हम जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए पहला जो है इसको कैसे बनाएंगे, द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर, और ये अब हमने एडवर्ब टू को हटा करके पूरा एक साथ लिख लिया, और ये एडवर्ब के लिए लास्ट में क्या जोड़ देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मीनिंग होता है एक सीमा, एक निश्चित सीमा से बढ़कर। अब देखिए एक तो ये रूल हुआ इसका, एक दूसरे तरह से भी हम बना सकते हैं इसको, जैसे अभी पहला है और इसी का ये दूसरा है, द वाटर ऑफ द गंगा इज एक्सट्रीमली प्योर, या ओवर भी, यहां एक्सट्रीमली या ओवर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और देखिए सी इज टू फैट, तो देखिए सी इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या इस तरह से भी इसको हम बना सकते हैं, सी इज एक्सट्रीमली फैट। अब मैं उम्मीद करता हूं कितना आपको समझ में आ गया होगा, अब कुछ एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट कुछ एग्जांपल आपके सामने है, देखिए पहला एग्जांपल है सी इज टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, तो कैसे बनाएंगे आप, सी इज सो बिजी, टी डबल ओ टू की जगह सो हो जाएगा, सो बिजी, और फिर दैट आएगा और फिर ये सब्जेक्ट को दोहराएंगे, जैसे सी इज सो बिजी दैट सी कैनॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी। दूसरा देखिए द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, देखिए ये जो पहले क्लॉज का सब्जेक्ट निर्जीव है, बीच में ऑब्जेक्ट आया है तो यही दैट के बाद सब्जेक्ट बनेगा, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैनॉट अंडरस्टैंड, द बॉय इज टू अनहेल्थी टू डू दिस वर्क, द बॉय इज सो अनहेल्थी दैट ही कैनॉट डू दिस वर्क, ही इज प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, तो
ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज या ही इज प्राउड ऑफ हिज नॉलेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लास्ट में जोड़ देंगे, या ये जो एडवर्ब है यहां ये एडवर्ब टू छूट गया था, तो ही इज टू प्राउड, अभी ये यहां छूट गया था गलती से, ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। तो ये कैसे बनाएंगे, या तो एडवर्ब टू को आप हटा के यहां एक्सट्रीमली या ओवर लगा देंगे, या तो ये जो है क्या करेंगे, यहां ये जो है एक साथ उतार के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। पहला देखिए, तो ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज पहला, दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे, ही इज प्राउड ऑफ हिज नॉलेज एडवर्ब टू के बदले में लास्ट में जोड़ देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। लास्ट वाला है सी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, तो सी इज सो यंग दैट सी कैनॉट ट्रेवल अलोन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये जो है अब अगले वीडियो में इसका अगला जो चैप्टर है मैं उसको जो है मतलब सेंड करूंगा। धन्यवाद।